मध्य प्रदेश के दतिया जिले में दो सगी नाबालिग बहनों से गैंगरेप का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में एक बीजेपी नेता का बेटा भी शामिल है। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने थाना घेरकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं प्रदेश बीजेपी इकाई के प्रमुख ने रविवार को कहा कि अगर गैंगरेप पीड़िता अपने पुलिस बयान में पार्टी पदाधिकारी के बेटे का नाम लेती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।